नमस्कार मित्रों, व्याख्या कुशल कैसे बनाएंगे। दिनांक विषय विज्ञान जीव विज्ञान कालांक सेकंड कक्षा 6 प्रकरण केचुए में गति समयावधि 30 मिनट। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक अवबोधात्मक ज्ञानोपयोग कौशलात्मक अभिरुचि अभिवृत्ति पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी केचुए की गति के संबंध के सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री लपेट फलक श्यामपट चौक डोस्टर संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। प्रस्तावना छात्राध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रियाएं। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में। गाँवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। कृषि करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? किसान। जीवों में किसान का मित्र किसे कहा गया है? केचुए को। केचुआ मिट्टी में किस प्रकार की गति करता है? निरंतर। उद्देश्य कथन आज हम केचुए के गति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तावना कुशल के बाद प्रस्तुतिकरण आता है। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रियाएं विधि प्रविधि श्याम पटसार। विकासात्मक प्रश्न मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? भूमिगत जीव। भूमिगत जीवों के उदाहरण बताइए। केचुआ छोटे कीड़े। केचुए के शरीर की संरचना कैसी होती है? निरुत्तर। फिर इसके बाद छात्राध्यापक कथन होगा। केचुए का शरीर एक सिरे से को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर से घटने और बढ़ने में सहायता करती है। इसके शरीर चिकने पदार्थ के होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोर्ड पर लिखते हुए छात्र अध्यापक समझाते हुए चलेंगे। इसके बाद दो बोध प्रश्न करेंगे। केचुए का शरीर किन से बना प्रतीत होता है? अनेक छल्लों से। केचुए के शरीर में कैसे पदार्थ होते हैं? चिकने पदार्थ। दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा केचुए में गति। विकासात्मक प्रश्न करनी है। केचुआ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। मिट्टी में केचुए के घटने बढ़ने से कौन सहायता करता है? पेशियाँ। केचुआ पेशियों की सहायता से किस प्रकार गति करता है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन गति के दौरान केचुआ अपने शरीर के पृष्ठ भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग को भूमि को पकड़ता है तथा पृष्ठ भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पृष्ठ भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। ये छात्र अध्यापक को समझाते हुए बोर्ड पर लिखते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। केचुआ कौन से भाग को भूमि में जकड़े रखता है? पृष्ठ भाग को। केचुआ किसकी सहायता से गति करता है? पेशियों की सहायता से। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है केचुए से लाभ। विकासात्मक प्रश्न करने हैं। केचुआ मुख्यतः क्या खाता है? मिट्टी। केचुआ मिट्टी को कैसे बना देता है उपजाऊ? केचुआ मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन केचुए के से शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृति होती है। ये सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। इसके बाद में दो बहुत प्रश्न करने हैं। केचुए के सुख किससे जुड़े होते हैं? पेशियों से। पौधों को किससे फायदा मिलता है? केचुए से। इसके बाद लास्ट में आपके तीनों शिक्षण कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं और 1 गृह कार्य बच्चों को दे देना है। तो यह है पूरा व्याख्या कौशल। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।